दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक्सटेंशन बोर्ड का रिपेयरिंग आप कैसे कर पाएंगे आप घर में, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें चार सॉकेट के चार स्विच लगे हुए हैं, तो ये हमारा ख़राब हो गया है। तो इसमें क्या फॉल्ट हो गया है जिसके कारण से ये नहीं चल पा रहा है, इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ चार सॉकेट और चार स्विच लगे हुए हैं जिसके चार एलईडी के लाइट लगे हुए हैं, जिस जो इंडिकेशन करता है कि यह लाइन चालू है या नहीं। इसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे कि फ्यूज जला हुआ है या नहीं। तो यहाँ हमें देखने से पता चलता है कि फ्यूज तो डायरेक्ट है। अब हम लाइन से इसके सॉकेट को पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा फेस का लाइन नहीं आ रहा है या न्यूट्रल का लाइन नहीं आ रहा है। तो टेस्टर की सहायता से हम लोग सभी सॉकेट में पहले टेस्टर ग्लो कर रहा है या नहीं, टेस्टर जल रहा है या नहीं, इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारा चारों सॉकेट में टेस्टर नहीं जल रहा है, इसका मतलब हमारा फेस का लाइन जो है इस बोर्ड पे नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग पीछे का जो बॉक्स का ओपन करने का रहता है उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता इस तरह से खोल लेते हैं। और दोस्तों इसका जो अमेजोन पे प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। ये बोर्ड जो है मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए बहुत ही कारगर है, यह इसको आप पलंग के पास रखकर मोबाइल को चार्जिंग चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। सभी स्क्रू खोलने के बाद आप अंदर की तरफ ये यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो तीन वायर लगे हुए हैं फेस न्यूट्रल और एक अर्थ के वायर हैं, जो कि लाल वायर यहाँ दिखने से पता चल रहा है कि ये कट गया है या जल के अलग हो गया है, जो कि लाल वायर फेस का है। तो इसको पहले हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से कटा हुआ है। यहाँ आप अंदर की तरफ देखेंगे तो वो फ्यूज के साइड से वो निकल गया है, जो फेस का वायर है वो इस स्विच सभी स्विच में लगा हुआ है, तो वो वायर यहाँ से कट गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको वायर स्ट्रैपर की सहायता से छीलेंगे और फ्यूज के पास जो छोटा सा जहाँ से कटा हुआ है वहीं इसको जोड़ेंगे। पीछे आगे की साइड आप देखेंगे तो ये सब न्यूट्रल के पॉइंट हैं। इस वायर स्ट्रैपर की सहायता से हम लोग पहले लाल के वायर को छील लेते हैं जो हमारा कटा वाला भाग है। इसके बाद हम लोग इसको जहां से कटा हुआ है फ्यूज के वायर जहां आप देख सकते हैं वहीं इसको जोड़ेंगे। तब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो सही है या नहीं। तो इस तरह से कैसे आपको सेम ऐसे ही चीज़ें कर लेना है। पहले तो आपको फ्यूज़ को देखना है, अगर फ्यूज़ बराबर सही है तो पीछे के साइड को खोलना है और देखना है कि कौन सा वायर अंदर से कट गया है। जो वायर कटा रहेगा उसको आप नोट करेंगे, उसके बाद उसको छील के या टेपिंग करके या सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इस तरीके से आप जोड़ेंगे और उसके बाद फिर लाइन से आप चेक करेंगे टेस्टर की सहायता से। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, हम लोग उसी बेस पे अगला वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग जो पीछे का कवर जो खोले थे उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऐसे टाइट कर देते हैं और हम लोग अब इसको मेन लाइन में लगा के देखेंगे कि ये जो हमारा बोर्ड सही चलेगा या नहीं। दोस्तों इस तरीके से हम लोग मेन लाइन में इसका वायर लगा दिए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला स्विच ऑन करने से ये जो हमारा एलईडी है वो जल रहा है लाल कलर का, जो यहाँ आप देख सकते हैं। हम लोग लाइट ऑफ कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। सेकेंड वाला भी एलईडी जल रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। यहाँ हम लाइट ऑफ करके आपको दिखा रहे हैं कि
ये जो एलईडी है वो चल रहा है, मतलब हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है ये बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। ये जो तीसरा बटन है, तीसरा जो एलईडी है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। चौथा जो हमारा स्विच है उसको देखेंगे कि वो भी, चौथा वाला स्विच भी सही तरीके से चल रहा है। अब हम टेस्टर की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ अब टेस्टर की सहायता से हम देख पाएंगे कि टेस्टर ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ लाइन प्रॉपर तरीके से आ गया है, मतलब ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है ये बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप एक्सटेंशन बोर्ड को घर में ही बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ आप रिपेयर कर सकते हैं, बिना खर्चे के साथ। आप इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, इस तरीके से आप रिपेयर करके बिल्कुल नए तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।